हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे इंस्टेंट आम का अचार। अचार बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। आम साफ पानी से धो लिए हैं और इनके ऊपर लगे पानी को सूती कपड़े से अच्छे से साफ कर लिया है। डंठल वाले पार्ट को चाकू की हेल्प से काट के निकाल देंगे, फेंक देंगे। आम को बारीक काट लेंगे। गुठली को फेंक देंगे। आम मैंने पहले ही काट के रख लिए हैं। कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच सौंफ, एक छोटी चम्मच मेथी दाना, आधी छोटी चम्मच कलौंजी, एक छोटी चम्मच सरसों के दाने। गैस फ्लेम ऑन करेंगे, मसालों को मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। मसाले को लगातार चलाते हुए एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूना है। कढ़ाई भारी तले की है, इसीलिए मैंने मीडियम फ्लेम पे मसाले भुने हैं। अगर आप हल्के तले के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं मसाला भूनने के लिए, गैस फ्लेम लो रखिए, लो फ्लेम पे मसाला भूनिए एक मिनट के लिए लगातार चलाते हुए। मसाला भुन गया है, निकाल लेंगे कढ़ाई में से। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को धुआं निकलने तक गरम कर लेंगे। तेल में से धुआं निकलने लगा है, गैस फ्लेम बंद करेंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तेल हल्का ठंडा हो गया है, गैस फ्लेम बंद है। इसमें डालेंगे 10-15 कड़ी पत्ते, आधी छोटी चम्मच हींग, एक छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है, आधी छोटी चम्मच हल्दी, नमक डालेंगे स्वादानुसार, मैंने एक छोटी चम्मच नमक लिया है। चला देंगे, गैस फ्लेम बंद है और तेल हल्का गर्म है। तेज गर्म तेल में मसाले जल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। मसाले को चलाने के लिए सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें, चम्मच में पानी ना लगा हो। कटा हुआ आम डालेंगे, हमने जो मसाले भून के रखे थे वो डाल देंगे। चला देंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सिरका, मैंने सेब का सिरका लिया है। सिरका डालने से अचार ख़राब नहीं होगा, आप किसी भी अच्छी कंपनी का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है, अचार को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद जार में भरेंगे। अचार पूरी तरह से ठंडा हो गया है, कढ़ाई में से निकाल लिया है मैंने। अचार को एक जार में भर लेंगे। जार को साफ पानी से धो लेंगे और अंदर से अच्छे से सूती कपड़े से सुखा लेंगे। अचार को जार में भरेंगे। पंद्रह दिन हो गए हैं अचार को डाले हुए। अचार मैंने 3 जून को डाला था और आज 18 जून को मैं ये क्लिप शूट कर रही हूँ। अचार को मैंने प्लास्टिक के जार में स्टोर किया था, आप कांच का जार भी ले सकते हैं अचार को स्टोर करने के लिए। जार ऊपर तक भरा हुआ था, इसमें से काफ़ी सारा अचार यूज़ हो गया है। अचार गल गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अचार अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, इसमें फंगस नहीं लगा है। अचार को आप बिना धूप दिखाए 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जिस भी चम्मच से आप अचार निकाल रहे हैं उस चम्मच को सूती कपड़े से सुखा लें। चम्मच के ऊपर पानी ना लगा हो बिल्कुल भी, आपके हाथ भी गीले ना हो, हाथों को भी अच्छे से सुखा लें। अचार को स्टोर करने के लिए मैंने अच्छी कंपनी के सेब के सिरके का इस्तेमाल किया है, आप सफ़ेद सिरका भी ले सकते हैं। सिरका डालने से अचार ख़राब नहीं होगा। अगर आपको आम के इंस्टेंट अचार की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।